26 जुलाई यानी आज का दिन भारतीयों के लिए काफी अहम है। यह दिन भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। आज विजय दिवस है। यह पाकिस्तान के खिलाफ हुए कारगिल युद्ध में भारतीय शूरवीरों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने का दिन है। इस बीच आज ही के दिन नागपुर के सोमवारी क्वार्टर के चाबाज सिपाही राजेश साहू आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए, जिन्हें सोमवारी क्वार्टर के रहवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कारगिल युद्ध में भारत को मिली जीत के 22 साल पूरे होने की खुशी में देश भर में जश्न का आगाज हो गया है। कारगिल विजय दिवस इस युद्ध में शहीद हुए जवानों के बलिदान को याद करने के लिए हर साल मनाया जाता है। ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर हुई थी, जिसकी शुरुआत पाकिस्तानी सैनिकों ने की। इन्होंने भारतीय हिस्से में घुसपैठ कर अपने ठिकाने बना लिए थे, लेकिन आखिर में भारत ने इन्हें खदेड़ दिया था। हालांकि इसी बीच नागपुर की सोमवारी क्वार्टर के चाबाज सिपाही राजेश साहू आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए, जिन्हें सोमवारी क्वार्टर के रहवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने इस दौरान अपनी भावनाएं व्यक्त की। जैसा कि 26 जुलाई को कारगिल के युद्ध को विजय पाई गई थी और उसी दिन नागपुर शहर के सोमवारी क्वार्टर के निवासी राजेश साहू, जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों को निछावर किया देश के लिए, और उनके इस शहीदी दिवस के रूप में जो कारगिल दिवस हमारा जो है उन शहीदी दिवस के रूप में है, उनकी याद में यहाँ पर सोमवारी क्वार्टर में हम लोग यहाँ जब मिलते हैं तो एक वो वातावरण को ध्यान में लाया जाता है कि जो देश के लिए शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राण की निछावर किया है, आज हम लोग जिनके सहारे अपने देश में स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है। आने वाले समय में भारत देश की जो एक छवि है धीरे धीरे अच्छी निखरे, अच्छी हो, ऐसे हमारे सेनानियों के द्वारा जिन्होंने अपने प्राण का निछावर किया और जो आज भी सेना पर तैनात है, मैं उन सबको नमन करते हुए मैं शहीद राजेश साहू को मेरी संस्थाओं की ओर से भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे रामनारायण साहू जी की ओर से, मैं मेरी शिक्षण संस्थाओं की ओर से और सभी सब मित्र परिवार के जो हमारे जो यहाँ जुड़े हैं, मैं उनकी ओर से सबका मैं अभिनंदन करता हूँ जो यहाँ पर आए हैं। लेकिन आज जो शहीदी दिवस में जो एक राजेश साहू ने जो अपने प्राणों को निछावर किया है, वो हमारे लिए गर्व की बात है। मैं राजेश साहू का पूरे देश के लिए जो उनकी प्राण की जो आहुति उन्होंने दी, मैं उनको शहीदी दिवस के रूप में सभी की ओर से फिर से अभिवादन करता हूँ। रघुनगर सोमवारी पेठ परिसर आमचा धाटका भाऊ स्वर्गीय शहीद राजेश साहू हा कारगिलच्या दिवशी कारगिलच्या युद्धात वारला, शहीद झाला आणि त्याला श्रद्धांजली देण्याच्या दृष्टिकोनातून दरवर्षी आम्ही सर्व एकत्रित येऊन त्यांना श्रद्धांजली देतो। निश्चित रूपाने आमचा मानाचा भाग आहे की आमच्या इथला एक शहीद या देशासाठी कुठेतरी कामाला आला, पुनश्चा त्याला विनम्र अभिवादन करतो। जय। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय राजेश साहू को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें अभिवादन किया, साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्य को याद किया। इस दौरान पूर्व महापौर सतीश होले ने कहा कि हमारे लिए अभिमान की बात है कि शहीद राजेश साहू हमारे क्षेत्र से थी। आज के दिवसी अपन कारगिल विजय अशात हा आतंकवादी सोबत लड़ता लड़ता आमचे सोमवार क्वार्टरवासी और आमचे मित्र शहीद राजेश शाहू हे शहीद झाले होते। दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आम्ही त्यांचा हा शहीद दिवसाचा कार्यक्रम त्यांना विनम्र अभिवादन देऊन इथे साजरा करतो आणि दरवर्षी करत राहून शहीद राजेश शाहू नेहमी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज स्वर्गीय राजेश शाहू इनको हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर विनोद जायसवाल अपने सभी संस्थाओं की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और चूँकि यहाँ के नागरिकों ने यह जो बगीचा है स्वर्गीय राजेश साहू गार्डन, इसके आधुनिकीकरण की डिमांड यहाँ पर उठाई हुई है, अगर महानगर पालिका और नागपुर सुधार प्रन्यास इसके लिए अगर हमें परमिट करती है तो लायंस क्लब ऑफ नागपुर मेडिकोज की ओर से उसे हम दत्तक लेने के लिए तैयार है, ऐसा मैं यहाँ पर आश्वासित करता हूँ। बता दें कि कारगिल विजय दिवस का आयोजन हर साल 26 जुलाई को किया जाता है। ये वही दिन है जब भारतीय सेना ने कारगिल में अपनी सभी चौकियों को वापस लिया था, जिन पर पाकिस्तान की सेना ने कब्जा किया था, जिसके बाद से हर साल लड़ाई में शहीद हुए जवानों को इस दिन याद किया जाता है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।